हेलो नमस्कार। कक्षा 11 में अपने चैप्टर 5 अपना पूरा हो गया, न्यूमेरिकल कर रहे हैं हम। इसमें एक न्यूमेरिकल और देखते हैं आगे। न्यूमेरिकल है अपने पास, कंडीशन दे रखी है कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गतिमान किसी ऑटो रिक्शा का चालक सड़क के बीच एक बच्चे को खड़ा देखकर अपने वाहन को ठीक 4 सेकंड में रोक देता है और बच्चे की जान बचा लेते हैं, बच्चे को बचा लेता है। यदि रिक्शा बच्चे के ठीक निकट रुकता है तो वाहन पर लगा मंदन बल क्या होगा? ऑटो रिक्शा व चालक की 37 400 किलोग्राम और 65 किलोग्राम है। 37 का मतलब है द्रव्यमान, मास। तो 400 किलोग्राम का तो ऑटो रिक्शा है और उसमें जो ड्राइवर है 65 किलोग्राम उसका द्रव्यमान है। तो सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, जो दी गई वैल्यूज है वो हमें पता होनी चाहिए। दूसरी बात, सिचुएशन हमें समझ में आनी चाहिए कि हो क्या रहा है। ऑटो रिक्शा गतिशील है, प्रारंभिक वेग गतिशील है, वो उसका स्पीड है कुछ ना कुछ। कितनी स्पीड है? 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे कैसे? 5/18 से गुणा करके। हम पहले कर चुके हैं ये बात कि किलोमीटर प्रति घंटा वो मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर और 1 घंटे में 3600 सेकंड, 1000/3600 करेंगे तो 5/18 आ गए। तो 5/18 ध्यान रखो, जब भी चेंज करना हो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो आगे, बच्चा सड़क के बीच में बच्चा आ गया, उसके अब उसको बचाने के लिए क्या करता है, वो ब्रेक लगाता है। ब्रेक लगाएगा तो उसकी स्पीड धीरे 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 कम होती है और वो ठीक उसके पास जाके ब्रेक लगा देता है और बच्चा बच जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, पहले उसकी स्पीड कितनी थी? 36 किलोमीटर प्रति घंटा, बाद में कितनी हो गई? 0। तो क्या हुआ, वेग में परिवर्तन। और वेग में परिवर्तन के सापेक्ष, वेग में परिवर्तन की दर जो होती है समय के सापेक्ष, उसको त्वरण कहते हैं। तो इसका मतलब हम यहाँ क्या ज्ञात करेंगे? त्वरण ज्ञात करेंगे। क्यों ज्ञात करेंगे? क्योंकि हमें समय दे रखा है कितने समय में हो रहा है ये काम, कितने समय में ब्रेक लगाने से लेकर जीरो तक करने में उसको कितना सेकंड लगा? 4 सेकंड लगा। तो हमें dt की वैल्यू 4 सेकंड, u का मान 36 किलोमीटर प्रति घंटा, v का मान 0, क्लियर? ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे। उसके बाद हमें क्या याद करना है, मंदन बल याद कीजिए। मंदन बल का मतलब हो गया, बल याद करना, मंदन का मतलब जो रुकने के लिए लगाया गया। मंदन का मतलब होता है कि गति की विपरीत दिशा में लगाया गया बल। ऑटो रिक्शा तो आगे की ओर चल रहा है, उसको रोकने के लिए क्या करते हैं, उसके गति पे, उसके टायरों पे ब्रेक लगाए जाते हैं जो उसकी गति के विपरीत बल लगता है, जिससे वो धीरे 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 रुक जाता है, विराम अवस्था में आता है और उसको तुरंत नहीं आ जाता। तुरंत आ जाए तो क्या हो जाएगा, उसका खुद का ही एक्सीडेंट हो जाएगा, पलट जाएगा। हर गाड़ी की स्पीड जो है उसके अनुसार, उसके द्रव्यमान के अनुसार कितनी स्पीड पे हम उसको चला सकते हैं, उसके अनुसार ही ब्रेक लगाने के लिए समय चाहिए। मंदन करन उत्पन्न करने के लिए कुछ समय की जरूरत होती है, उस समय के अनुसार ही मंदन लगेगा। तो वो प्रोसेस 4 सेकंड में होती है। तो हमें सारी सिचुएशन लिखनी है, बल निकालना है, एफ निकालना है। तो एफ का मतलब हमें पता है सिंपल, F is equal to क्या होता है, MA, मास दे दिया, दोनों का काम आएगा क्योंकि ऑटो का ड्राइवर है वो भी काम ऑटो के अंदर ही बैठे हैं, इसलिए वो भी तो क्या रहा है, उस द्रव्यमान उसके अंदर इंक्लूड हो रहा है। और A निकालना है, त्वरण कैसे निकाले, वेग में परिवर्तन, चाहे तो अलग से निकाल लो चाहे एक F बराबर MA में ही रख दो। तो आपको M का मान दे दिया कितना, 400 किलोग्राम प्लस 65 किलोग्राम, टोटल कितना हो गया, 465 किलोग्राम। दूसरी बात क्या दे दी, यहाँ प्रारंभिक वेग दे दिया 36 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको चेंज कर देंगे, 36 × 5/18, ये 2 से कैंसिल आउट हो गया, क्या आ गया, 10 मीटर पर सेकंड। और वी का मान क्या हो गया, 0 मीटर पर सेकंड, क्योंकि रोक देता है तो जब रुक जाता है तो क्या हो गया, वेग 0। और क्या दे दिया, टी का मान दे दिया, यहाँ टी का मान लिख दो चाहे dt का मान लिख दो, कितना हो गया, 4 सेकंड। अब हमें पता है कि क्या ज्ञात करना है, हमें एफ ज्ञात करना है। एफ इज इक्वल टू होता है MA और A इज इक्वल टू होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय। आप इसको कंफ्यूजन रहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, A बराबर dv/dt। तो ये जो मान है इसको आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं कि ये जो मान है वो दिया हुआ मान dt का ही है, उसको dt लिख दो और चाहे t लिख दो। जो प्रोसेस हो रहा है वो टाइम इंटरवल में है, उतने टाइम में अंतराल में ही दिया गया है। तो A इज इक्वल टू dv/dt लिखेंगे। तो आप इसको अलग से सोल्व करके यहाँ रख दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात है वो, कोई अलग से सोल्व करेगी, A का मान हम पहले अलग से निकाल लेते हैं फिर यहाँ गुणा कर देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, वही बात है, यहाँ रख दे तो भी वही बात है।
इसे सॉल्व कर रहा हूं मैं यहां से f इज इक्वल टू क्या दे रहा है, m का मान कितना है 465 इंटू अंतिम वेग कितना है 0 माइनस प्रारंभिक वेग कितना है 10 और समय कितना है 4, तो ये माइनस तो आ जाएगा बाहर, क्या जाएगा माइनस 465 गुणा 10 बटे 4। अब चाहे तो 5 से ये 2 से कैंसिल आउट करके भाग दे दो, और चाहे ये 4650 में 4 का जैसे समझ में आए वैसे कर दो, कोई बड़ा डिवाइडेशन नहीं है। तो माइनस 4650 बटे 4 इतना न्यूटन बल आ गया, और ये जो मान आया है वो माइनस में आ रहा है। माइनस क्या शो कर रहे हैं, माइनस शो कर रहे हैं कि बल जो लग रहे हैं वो जिस साइड में वस्तु वाहन गतिशील है उसके विपरीत लग रहे हैं। जब ये प्लस में होता है इसका मतलब है जिस ओर वस्तु गतिशील है उसी ओर बल कार्य कर रहा है। तो इस तरह से हमें पहले क्या समझना है, सिचुएशन समझनी है क्या, उसके अंदर जब सिचुएशन समझ में आएगी तो हमें वैल्यू समझ में आएगी, क्या क्या वैल्यूज उसके अंदर है वो लिखनी है, फिर हमें देखना कि ज्ञात क्या करना है, फिर हम समझ आएंगे कि इसमें हम क्या यूज कर सकते हैं, जो अभी तक हमने पढ़ा उसमें से हम क्या यूज कर सकते हैं। तो हमें पता चल जाएगा कि हम इस फॉर्मूले से या जो भी क्वेश्चन है उससे संबंधित कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है वो हमें पता चल जाएगा। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की, ताकि बाद में करेंगे कुछ और।